पार्टी ने महिला खिलाड़ियों के सम्मान समारोह किया, आयोजक मुझे बनाया था और हमने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से संपन्न करा है। और महिला खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रही थी। उनके पेरेंट्स, उनकी माताएं भी आगे इन फ्यूचर उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करने के लिए तैयार थी कि इस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है, सम्मानित करने का सम्मान दे रही है, आरक्षण दे रही है महिलाओं को विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में, और हर स्तर पर महिलाओं को मजबूत करने के सरकार के इरादे आज साफ नज़र आ रहे हैं। और आगे भी जैसे कि मुझे अभी तो ये महिलाओं को, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का पार्टी ने अवसर प्रदान किया, मेरी एनजीओ है अपनी राष्ट्रीय स्तर पर जिसका मैं जिसको मैं चलाती हूँ, उसमें हमने दिल्ली में भी गरीब लड़कियों की शादियों को किया है संपन्न, और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल का है ये काम। इसमें हम बहुत गरीब बच्चों की, महिलाओं की और जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उन सब की मदद करते हैं, जो गरीब होती हैं उनकी भी आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। इसमें अब मैं पुरुष खिलाड़ियों को सम्मानित करना चाहती हूँ अपने एनजीओ के थ्रू, नहीं तो फिर मेरे हमारे बेटे अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस ना करें कि देखो महिलाओं को तो किया, हम भी तो बराबर के हैं, क्योंकि पुरुष और नारी दो पहिए समान हैं, कोई भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी ने महिला खिलाड़ियों के सम्मान समारोह किया, आयोजक मुझे बनाया था और हमने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से संपन्न करा है। और महिला खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रही थी। उनके पेरेंट्स, उनकी माताएं भी आगे इन फ्यूचर उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करने के लिए तैयार थी कि इस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है सम्मानित करने का, सम्मान दे रही है, आरक्षण दे रही है महिलाओं को विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में, और हर स्तर पर महिलाओं को मजबूत करने के सरकार के इरादे आज साफ नज़र आ रहे हैं। और आगे भी जैसे कि मुझे अभी तो ये महिलाओं को, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का पार्टी ने अवसर प्रदान किया, मेरी एनजीओ है अपनी राष्ट्रीय स्तर पर जिसका मैं जिसको मैं चलाती हूँ, उसमें हमने दिल्ली में भी गरीब लड़कियों की शादियों को किया है संपन्न, और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल का है ये काम। इसमें हम बहुत गरीब बच्चों की, महिलाओं की और जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उन सब की मदद करते हैं, जो गरीब होती हैं उनकी भी आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। इसमें अब मैं पुरुष खिलाड़ियों को सम्मानित करना चाहती हूँ अपने एनजीओ के थ्रू, नहीं तो फिर मेरे हमारे बेटे अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस ना करें कि देखो महिलाओं को तो किया, हम भी तो बराबर के हैं, क्योंकि पुरुष और नारी दो पहिए समान हैं, कोई भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।